हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम गॉस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये शुरू करने से पहले कि गॉस टेस्ट को प्रूव करते कैसे हैं, पहले हम जान लेते हैं कि गॉस टेस्ट होता क्या है। ठीक है ना, तो इसके पिछले वीडियो में हमने डिमॉर्गन्स एंड बर्रान टेस्ट को देखा था, और उससे पहले आप चले जाइए तो हम लोग रेशियो टेस्ट से शुरू किए थे रेशियो टेस्ट, और यही रेशियो टेस्ट को हम डी एलम्बर्ट टेस्ट भी कहते हैं। तो एक ऐसी सीरीज जिसमें हम पहले रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं और वो फेल हो जाता है, फिर उसके बाद हम उसमें रैबविज टेस्ट अप्लाई करते हैं और वो फिर फेल हो जाता है, और फिर उसके बाद जब हम डिमॉर्गन्स एंड बर्ट्रान टेस्ट अप्लाई करते हैं तब वो रिजल्ट देता है, तब इसी प्रोसेस को हम कहते हैं गॉस टेस्ट। तो आपको समझ में आया गॉस टेस्ट है क्या? गॉस टेस्ट मीन्स पहले रेशियो टेस्ट को अप्लाई करना, फिर उसके बाद रैब टेस्ट को अप्लाई करना, फिर उसके बाद डिमॉर्गन्स एंड बर्ट्रान टेस्ट को अप्लाई करना, और फिर ये तीनों प्रोसेस अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट देगा उसी रिजल्ट को हम कहेंगे गॉस टेस्ट। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, बारी बारी से रेशियो टेस्ट, रैब टेस्ट और डिमॉर्गन टेस्ट को अप्लाई करेंगे और लास्ट में जो डिमॉर्गन टेस्ट से है हमारा जो रिजल्ट मिल जाएगा, तो उसी को हम गॉस टेस्ट कहेंगे। अब एक प्रोसेस चलता रहता है, इसको हम चैन प्रोसेस भी कह सकते हैं, या इसको आप चैन रूल भी कह सकते हैं। यानी अगर आपको इसकी कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी चेक करनी है तो ये जो प्रोसेस है आपको अप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो अब आते हैं हम हमारा जो इसका स्टेटमेंट है उस पे। तो ये है हमारा स्टेटमेंट, ठीक है ना। लेट समेशन यू एन बी अ पॉजिटिव टर्म, यानी कि हमारे पास समेशन यू एन जो है वो पॉजिटिव टर्म है, और ये हमारा इसका फॉर्म है यू एन बाई यू एन प्लस वन कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म। इसी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं वन प्लस अल्फा बाई एन प्लस बीटा टू द पावर एन बाई एन टू द पावर पी। यहाँ पे पी जो है ये वन से बड़ा है, एंड मोड ऑफ बी एन या बीटा एन कह सकते हैं, ये क्या है, छोटा है के से। के क्या है, कोई एक फिक्स नंबर है, ठीक है ना। देन हमें ये दिखाना है कि जो समेशन यू एन है वो कन्वर्जेंट होता है, कब, जब अल्फा की जो वैल्यू होगी वो वन से बड़ा होगी। अब वहीं पे ये डाइवर्जेंट हो जाएगा जब अल्फा का जो वैल्यू होगी वन से छोटी होगी, ठीक है। तो ये इसका क्या है, ये इसका है स्टेटमेंट। अब हम देखते हैं इसके प्रूफ को कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमारा एक्सप्रेशन गिवन है हम वहां से शुरू करेंगे, गिवन डेट एक्सप्रेशन क्या है हमारा, ये है यू एन बाई यू एन प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस उसके बाद क्या है अल्फा बाई एन प्लस बीटा एन बाई एन टू डी पावर पी, यही ना हमारा एक्सप्रेशन है। अब हम क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन, यहाँ पे हम ये भी बता देंगे कि लॉग इन्फिनेटिव ले रहे हैं, या हम यहां से लिख लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव यू एन बाई यू एन प्लस वन इज इक्वल टू लॉग एन टेंस टू इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा वन प्लस अल्फा बाई एन प्लस बीटा एन बाई एन टू द पावर पी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो लॉग का वैल्यू है ये एन को टेस्ट कराते हैं किसके तरफ, इन्फिनिटिव की तरफ। तो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे इन्फिनिटिव ये जो टर्म होगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ भी एन है, एन को टेस्ट कराएंगे इन्फिनिटिव से तो ये वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा कितना,
ये वन पे तो ये इसका कोई वैल्यू नहीं पड़ेगा, तो ये हमारा मिलेगा वन। तो जब भी हमारा रिजल्ट वन आता है ना, हमारा जो टेस्ट होता है वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारा रेशियो टेस्ट है, इसी को डी एलम्बर्ट टेस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल्स, यानी कि जो डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट है वो फेल हो गया। नाउ वी अप्लाई रैब्स टेस्ट, यानी कि क्या हुआ, हमारा डी एलम्बर्ट टेस्ट फेल हो गया। अब हम रैब टेस्ट को अप्लाई करेंगे, तो फिर से हमारा वही फॉर्म होगा, ये हो जाएगा यू एन बाई यू एन प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस अल्फा बाई एन प्लस बीटा एन बाई एन का पावर पी, है ना। अब हमें क्या करना है, जो रैब टेस्ट होता है उसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो वन है ना यहाँ, इसे हम इक्वल के इस साइड लाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा यू एन बाई यू एन प्लस वन और ये माइनस वन इज इक्वल टू अल्फा बाई एन प्लस बीटा एन बाई एन का पावर पी। और में ये जो एन है ये कॉमन ले लेते हैं, कॉमन करके इधर इंटू कर देते हैं, ये हो जाएगा एन इंटू यू एन बाई यू एन प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ तो अल्फा बचा, एन खत्म हो गया, और यहाँ क्या बचा, प्लस बीटा एन बाई एन पी, और एक एन इसमें से कॉमन किए हैं तो यहाँ पे माइनस वन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए और में हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव ऑन बोथ साइड। आप ये लैंग्वेज नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिमिट ले सकते हैं, तो यहां से हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एन इंटू यू एन बाई यू एन प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव, और यहाँ पे आपका क्या है, अल्फा प्लस बीटा टू दी पावर बीटा एन और एन टू दी पावर पी माइनस वन, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर जो एन वाला वैल्यू है, जब हम एन को टेस्ट कराएंगे इन्फिनिटिव की तरफ, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये हमारा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा वैल्यू मिला इसका, वो मिल गया कितना, अल्फा। अब देखिए यहाँ अल्फा आया है जब हम रेड टेस्ट अप्लाई किए हैं, तो ये तो हमारा डिपेंड करेगा किसके ऊपर, अल्फा के ऊपर, कि अल्फा क्या हो रहा है, यानी कि जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या हो रही है। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं अगर अल्फा के वैल्यू क्या होगा तो क्या होगा। इफ अल्फा इज ग्रेटर देन वन, ठीक है ना, देन द सीरीज समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, वहीं पे इफ अल्फा इज लेस देन वन द सीरीज समेशन यू एन इज डाइवर्जेंट। ठीक है, और वहीं पे इफ अल्फा इज इक्वल टू वन द रैब टेस्ट फेल्स। तो जब रैब टेस्ट हमारा फेल हो गया, अल्फा के बराबर जब वन आ गया, तो तब हम क्या करेंगे, अगेन वी अप्लाई डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रांड
टेस्ट। हमारे पास अब एक्सप्रेशन क्या है, un by un plus 1 is equal to 1। अब यहां था अल्फा, तो अल्फा के बराबर हम लोग क्या माने हैं 1, तब ना हमारा टेस्ट फेल हुआ है रैब, और फिर उसके बाद हम डिमोर्गन सप्लाई कर रहे हैं, तो अल्फा की जो वैल्यू है हम 1 रखेंगे और by n, और यहां पे क्या हो जाएगा प्लस बीटा n by n का पावर pn, सॉरी np, ठीक है। तो अब यहां पे ये हो गया, अब हम क्या करते हैं इस पे डिमोर्गन्स और बर्ट्रांड टेस्ट जो है अप्लाई करते हैं। तो यहां से पहले 1 को हम लाते हैं इधर, तो ये हो जाएगा un by un plus 1 minus 1, हां, और इज इक्वल टू 1 खत्म हो गया यहां से, तो ये हो गया 1 by n plus beta n by n का पावर p। अब हम क्या करते हैं, जो n है ना हम इसे कॉमन लेके इस साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा n into un by n plus 1 minus 1 is equal to, यहां से n कॉमन हो गया तो 1 बचा, प्लस ये बीटा का पावर कितना है n, और यहां से n कॉमन लिए हैं इसका मतलब क्या है n का पावर p में से 1 घट जाएगा, तो ये हो गया हमारा क्या। अब आगे देखें, ये और में क्या हो जाएगा n into un by un plus 1 minus 1, ये है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो 1 है ना इसे इस साइड भेज देते हैं, minus 1 हो जाएगा, तो equal to क्या बचा beta का power n और by कितना n का power p minus 1, ठीक। अब हम क्या करते हैं दोनों तरफ log n ले लेते हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे taking log n on both sides we get, ठीक। तो अब यहां से देखिए, यहां चूंकि ये स्पेस कम है मैं यहां से लिख रहा हूं log n, और यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, ये है n into un by un plus 1 minus 1, और फिर है minus 1 is equal to log n, और ये है कितना beta n by n to the power p minus 1, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, लिमिट लेंगे, तो यहां पे लिखेंगे taking limit n tends to infinity we have, तो अब यहां log है तो हम यहां से लिख लेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, हां, और ये है log n, और यहां से हमारा आ जाएगा n into un by un plus 1 minus 1 minus 1 is equal to limit n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां से है log n, और ये है बीटा n और by n का पावर p minus 1। अब लिमिट n tends to क्या लिए हैं, इंफिनिटिव, तो इंफिनिटिव लिए हैं तो हमको टेस्ट कराना पड़ेगा, हां, तो जब टेस्ट कराएंगे n का वैल्यू इंफिनिटिव तक, देखिए यहां पे इंफिनिटिव वैल्यू रखेंगे, यहां पर भी इंफिनिटिव वैल्यू रखेंगे, यहां पर भी इंफिनिटिव रखेंगे, यानी कि जो टोटल टर्म्स है हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, तो यहां पे लिख लेंगे 0, और हम बता सकते हैं कि ये जो 0 होता है ये छोटा होता है किससे, 1 से, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू आया हमारे पास ये 1 से छोटा आ गया, तो अब जो इसकी डाइवर्जेंसी है ये un पे डिपेंड करेगी, तो लिख लेंगे यहां से हेंस द सीरीज summation un is divergent। पहले हम इसे समझ लेंगे कि यहां पे हम इस जो सीरीज है इसे हम डाइवर्जेंट क्यों लिखे हैं, ठीक है ना। जब भी डिमोर्गन्स एंड बर्ट्रांड टेस्ट हम अप्लाई करते हैं तो यहां पे जो अल्फा है इसका वैल्यू अगर ये 1 से बड़ा होता है तो ये जो हमारा सीरीज होता है वो कन्वर्जेंट हो जाता है,
ठीक है। और वहीं पे ये जो अल्फा की वैल्यू है ये छोटा या बराबर होता है 1 से, तब ये डाइवर्जेंट होता है। ठीक है, तो यहां से देखिए अल्फा की जो वैल्यू है वो 0 आई है, और 0 क्या है, छोटा है 1 से, तो 1 से अगर ये छोटा होगा तो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा ना, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि ये जो समेशन है ये क्या है, डाइवर्जेंट है। ठीक है, अब हमें ये बताना है क्लियरली कि ये कब डाइवर्जेंट है और कब कन्वर्जेंट है। तो यहां से लिखेंगे देयरफोर द सीरीज समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट इफ, क्या बताए हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ा होगी। तो यहां पे लिखेंगे इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1, वहीं पे एंड डाइवर्जेंट, और ये डाइवर्जेंट होगी कब, इफ अल्फा इज लेस देन एंड इक्वल टू 1। और यही हमारा क्या है, गॉस टेस्ट है। तो हमने क्या किया, रेशियो टेस्ट से स्टार्ट किया और ये कहां तक आया, डिमॉर्गन्स एंड बटरान टेस्ट तक। तो ये टेस्ट पे आके जो हमारा वो टेस्ट है वो फिलफुल हुआ, और इसी टेस्ट को अब हम गॉस टेस्ट के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरह से हेल्प पहुंचा रही हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी किसी तरह की हेल्प मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।